माल गांव में किया था, तो वहाँ महिलाएं घूंघट में बोलती है और बहुत अच्छी, कुछ औरतों ने तो दहेज पे गाने भी गाए हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तैयारियाँ हमारी बहुत अच्छी हैं, बाकी मैं आप लोगों को न्योता दूंगी कि आप लोग वहाँ आएँ और देखें कि कितनी जनता जनार्दन अजय जी और मैं आपसे भी चाहूँगा कि जनता का जनाधार बढ़ता जा रहा, ग्राफ बढ़ रहा है, मैं एक पत्रकार होकर साफ बोलने वाला हूँ, 9 तारीख को लेकर महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणा हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि ये चर्चा जोरों पर है कि दुष्यंत जी हैं प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं वहाँ पे करेंगे, तो महिलाओं की क्या भागीदारी उसमें आप मानते हैं, क्या रहना चाहिए? आप 9 को वही सुनो, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताने वाली, पूछ रहा हूँ होगा उसमें कुछ नहीं, जो भी होगा। देखो मैं खुद एक महिला विधायक हूँ और महिला विधायक से भी ज़्यादा शायद मैं एक गृहिणी ज़्यादा हूँ, मैं कहूँगी कि जो कुछ करेंगे बीच में मैं इन्वॉल्व होकर महिलाओं के लिए जरूर कुछ करूँगी, कि जैसे दादाजी की पेंशन के लिए जननायक चौधरी लाल को हमेशा लोग, मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते रहे, शुरुआत 100 रुपए की जो भी थी ना, वो आज भी बुजुर्ग महिलाएं उन्हीं के गीत गाती हैं, सब कुछ ऐसा महिलाओं के लिए करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी युवा नेता को हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए आप चौटाला कुंड होता देंगे के लिए मैम।